बात करेंगे यूआरएल के बारे में, तो यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर, ठीक है। देखिए क्या है, ये यूनिक एड्रेस ऑफ वेब रिसोर्स अवेलेबल ऑन इंटरनेट। तो जो भी वेब रिसोर्स, जो भी वीडियो या टेक्स्ट या पिक्चर जो भी अवेलेबल है इंटरनेट पे, तो उसका एक यूनिक एड्रेस होता है यूआरएल, ठीक है। यानी उस एड्रेस का यूज़ करके आप उस पिक्चर या उस वीडियो या उस टेक्स्ट तक पहुंच सकते हैं। वी कैन एक्सेस ओनली वेब एनी वेब पेज यूजिंग दिस वेब यूआरएल। यानी यूआरएल का, वेब यूआरएल का यूज़ करके आप उस वेब पेज तक पहुंच सकते हैं। इसका एग्जांपल है ये http://example.com, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या है, यहाँ HTTP जो आप देख रहे हो ये प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर है। यहाँ किस तरह का प्रोटोकॉल यूज़ हो रहा है वो आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। नाउ इसके आगे जो example.com है वो रिसोर्स नेम है, ठीक है। जैसे http://, लेट्स से apple.com, ठीक है। तो यहाँ apple.com जो हो गया वो रिसोर्स नेम है। और प्रोटोकॉल कौन सा यूज़ हो रहा है इस वेब पेज को फाइंड करने, इस वेब पेज को क्रिएट करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ हुआ है, वो है HTTP, ठीक है। नाउ ये URL को आप कहाँ फाइंड कर सकते हो, तो मान लीजिए आप, मान लीजिए गूगल खोले, तो उसके ऊपर में ये जो एड्रेस बार जो है यहाँ पर आप जो टाइप करोगे वो बेसिकली URL हो जाएगा। यहाँ जैसे अगर वो इस फॉर्मेट में हुआ और यहाँ पर टाइप किया हुआ हुआ, तो दैट इज़ योर URL, ठीक है। नाउ URL का एक ही एप्लीकेशन नहीं है कि वो वेब पेज को फाइंड करे, बल्कि इसके अलावा भी बहुत सारे एप्लीकेशन हैं। तो क्या एप्लीकेशन है वो देखते हैं। इट हैज़ मेनी एप्लीकेशंस। नंबर वन, रेफरेंस टू वेब पेजेस, यानी वेब पेज को रेफ़र करने के लिए यूज़ होता है URL, ठीक है। वो HTTP या HTTPS फॉर्मेट में अगर रहे वेब पेज, तो उसे रेफ़र करने के लिए यूज़ होता है। नाउ यूज़ टू फाइंड फाइल ट्रांसफ़र, ठीक है, फाइल ट्रांसफ़र को परफॉर्म करने के लिए जो FTP यानी क्लाइंट सर्वर मॉडल पे जो FTP जो बनी हुई होती है उसके उसे अकम्पलिश करने के लिए भी URL का यूज़ होता है, ठीक है। ईमेल के लिए, मेल टू जो कि एक URI है, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर है ईमेल एड्रेस के लिए, तो उसके लिए ईमेल के लिए भी यूज़ होता है। और डेटा एक्सेस के लिए भी यूज़ होता है। डेटा एक्सेस के लिए कैसे यूज़ होगा, JDBC के द्वारा। JDBC क्या है, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी, जो कि एक API है। और ये हमें ये बता, मतलब ये बताती है कि एक क्लाइंट कैसे डेटाबेस को एक्सेस करेगा, तो वो JDBC के द्वारा परफॉर्म होता है। तो ये डेटाबेस एक्सेस जो होगा ये JDBC के द्वारा होगा, ठीक है। सो इट हैज़ दिस URL हैज़ मैनी एप्लीकेशंस, ठीक है, ठीक है। तो होप आपको URL के बारे में एक रफ आइडिया मिला होगा। तो ऐसे वीडियोस को देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।